नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाई है जिन्होंने हाल ही में टैली का कंप्लीट कोर्स करके और नई अकाउंटेंट जॉब की शुरुआत करी है। तो दोस्तों, शुरुआती दौर में देखो नॉलेज की कमी के कारण गलतियाँ भी हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि गलती तो कोई सेल्स डिपार्टमेंट करता है और उसका खामियाजा अकाउंटेंट को भुगतना पड़ता है। और कई बार नॉलेज की कमी के कारण या किसी स्टाफ की गलती के कारण कंपनियों पर पेनल्टी तक लग जाती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को कोई ऐसा स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिसने अभी नई अकाउंटिंग जॉब की शुरुआत करी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें। अगर आपको कंप्लीट वीडियो को नहीं देखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर दें, क्योंकि जब तक इस वीडियो को आप कंप्लीट नहीं देखोगे भी गलती के कारण क्या का इफेक्ट पड़ता है, तब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाली नहीं है। और आज ऐसी हम गलती के बारे में बात करेंगे, ये गलती अकाउंट के एक्सपर्ट से भी हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कंपनी में अकाउंटिंग की शुरुआत आपने करी है जहां पे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के साथ साथ मैनुअली रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, यानी कि जब कोई कस्टमर आता है तो उसे अपने मैनुअली बिल बुक में से सेल्स इनवॉइस बना के दिया जाता है और बाद में उस बिल बुक से टैली में कंप्यूटराइड उस वाउचर्स को मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये चार वाउचर्स यहाँ पे मैंने बना के रखे हुए मैनुअल रूप से। तो ये इनवॉइस नंबर एक है और इसी तरीके से ये इनवॉइस नंबर सेकेंड, ये इनवॉइस नंबर थर्ड और ये इनवॉइस नंबर चौथा। तो दोस्तों, हम ये मान के चलेंगे भी ये एक कंपनी में मैनुअल रूप से बने हुए इनवॉइस है और इस इनवॉइस के में टैली में एंट्री करनी है। तो दोस्तों, इन चारों वाउचर्स को मैंने टैली प्राइम में इसकी एंट्री मैंने करके रखी हुई है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्मार्ट इंटरप्राइजेस के नाम से मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है और ये जो चारों वाउचर्स हैं, इन चारों वाउचर्स की एंट्री भी मैंने यहाँ पर करके रख ली है। आपको मैं चारों वाउचर्स दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं डिस्प्ले पर आऊँगा और डिस्प्ले पर आने के बाद मैं डे बुक पर आऊँगा। तो चाहे तो मैं यहाँ से डिस्प्ले और डे बुक पर भी आ सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ये चारों वाउचर्स 1, 2, 3, 4 और ये चारों उन कस्टमर्स के नाम हैं, शिवम, विशाल, मदन और विकास। तो ये सेम वही चारों इनवॉइस की एंट्री मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो दोस्तों, ये एंट्री मैंने कैसे करी है आपको मैं एक वाउचर दिखा देता हूँ। मैं जैसे इनवॉइस नंबर मैं फर्स्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वाउचर नंबर लगा हुआ है, यहाँ पर इसकी डेट भी आ रही है और यहाँ पे पार्टी का नेम है और यहाँ पे जो वाउचर्स में जो स्टॉक आइटम है हमारी वो मैंने मेंटेन की हुई है, मोबाइल, वन पीस और इसका नेट प्राइस है जो 5000 रुपये का, टैक्सेबल वैल्यू इसकी ये बनेगी और CGST और SGST ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट है जो GST का ये बनने वाला है और यहाँ पर इसकी समरी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये इसी वाउचर की एंट्री मैंने यहाँ पर करी है। मैंने शिवम एक पार्टी कस्टमर का लेज़र क्रिएट किया और इसको मैंने अंडर में रखा है सेंडी डेटर्स और इन चारों कस्टमरों को मैंने यहाँ पे रेगुलर टाइप में सभी को अनरजिस्टर रखा हुआ है और एंट्री करी और सब कुछ पार्टी डिटेल और उसके बाद में मैंने ये मोबाइल का स्टॉक आइटम क्रिएट किया, नेम में मैंने मोबाइल रखा हुआ है और यूनिट इसकी पीसेस मैंने बनाई है और GST डिटेल में इसकी सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिलअप करके रखी हुई है और इंटरप्रेस करके इसको सेव करें, इसकी क्वांटिटी, उसका रेट और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स और यहाँ पर जो इसका वाउचर नंबर है इनवॉइस का वो यहाँ पर भी 1 आ रहा है आप देख सकते हो और इसका मैंने इस नरेशन में भी यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने हर इनवॉइस में इनवॉइस नंबर सेकेंड और इसका इनवॉइस नंबर इसका मैंने नरेशन में भी इसकी एंट्री करके रखी हुई है। तो इस तरीके से चारों वाउचर्स के मैंने इनवॉइस नंबर 3 और इसका नरेशन में भी 3 नंबर लिखा हुआ है और ये चौथा वाउचर। तो दोस्तों, ये चौथा सेल की वाउचर की एंट्री हमने करके रखी हुई है।
तो इसका इफेक्ट हम एक बार देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और इसकी जीएसटी की रिटर्न पे भी। अभी तक कुछ एरर तो नहीं है, बाद में हम इस पर क्या इफेक्ट आएगा अगर कोई बिल हमें डिलीट करना पड़े तो जीएसटी रिटर्नों पे क्या इसका इफेक्ट आएगा, हमें उस वाउचर्स को डिलीट करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे और हमारी टोटल जो सेल्स हैं उसे हम देख लेते हैं। जो टोटल हमारी सेल की अमाउंट है चारों इनवॉइस की, आप देख सकते हो वो चारों इनवॉइस यहाँ पे, और चारों इनवॉइस का जो टोटल है वो हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 38,983.06 रुपये। और उसके बाद हम जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे। जीएसटी रिटर्न पे जाने के लिए हम डिस्प्ले पर और जीएसटी रिपोर्ट पर, आप देख सकते हो ये जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स पर एंटर प्रेस करेंगे। हमें सेल्स के लिए जीएसटी आर वन को देखना है, इसलिए हम जीएसटी आर वन को सिलेक्ट करेंगे। और वन को सिलेक्ट करने के बाद हम पीरियड देंगे, क्योंकि हमने 10वें महीने में एंट्री करी है, तो 1/10 से लेके 31/10 तक। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे चारों वाउचर्स की एंट्री है जो यहाँ पर भी आ चुकी है वाउचर काउंट में, और सेम जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 38,983.06 रुपये की, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। और इस रिटर्न में किसी टाइप की कोई एरर भी नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों अगर आपके रिटर्न में किसी भी टाइप की कोई एरर रहेगी, कि आपने किसी कस्टमर में जीएसटी नंबर आपने नहीं दिया हो, या उसको रेगुलर रख लिया हो लेकिन उसका जीएसटी नंबर नहीं दिया हो, या रॉन्ग गलत दे दिया हो, या किसी भी टाइप की कोई एरर होगी आपकी बुक्स में या एंट्री करते वक्त आपकी, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 ये ज़रूर दिखाएगा। तो इसका इसे हम बोलते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो आप यहाँ पर भी हम देख सकते हैं भी इंक्लूडिंग HSN SSC समरी है, यहाँ पर भी टोटल है जो ये चार वाउचर हमें दिखा रहा है। और इसका हम HSN समरी हम देखें तो HSN समरी में भी टोटल ये रिकॉर्ड हमारा वही आ रहा है 38,983.06 रुपये का, और टोटल 8 क्वांटिटी हमने मोबाइल्स की सेल करी है चारों वाउचर्स में। और डॉक्यूमेंट की समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भी जो सीरीज है इसकी, सीरियल नंबर 1 से लेके 4 नंबर तक, टोटल 4 इनवॉइस है और जो नेट इश्यू है वो भी 4 है। तो दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ओके है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हुआ क्या भी आपकी कंपनी में जो सेल्स इनवॉइस है वो पहले मैनुअल रूप से बनाए जाते हैं और बाद में उसे कंप्यूटराइज करते हैं। लेकिन एक ऐसा कस्टमर आया जिसको आपने इनवॉइस नंबर ये सेकंड सेल किया हुआ था विशाल को, किसी कारणवश ये जो 2 नंबर जो इनवॉइस है ये कैंसिल करना पड़ गया, तो सेल्स डिपार्टमेंट को ये था ये इनवॉइस है जो कस्टमर हमें ये जो प्रोडक्ट है दोनों मोबाइल पीस है जो वापस दे गया। तो सेल्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था भी जब कोई कस्टमर हमें सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में अगर हमें वापस दे जाता है, रिटर्न कर जाता है गुड्स, तो हमें उसका एक सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट इशू करना होता है। तो ये उस सेल्स डिपार्टमेंट को यानी कि सेल्स मैन को इतनी जानकारी नहीं थी, तो उसने क्या किया वो प्रोडक्ट अपने पास वापस लिए दोनों के दोनों विशाल से, और उस इनवॉइस पे उसने कटिंग कर दी और उस इनवॉइस को उसने कैंसिल कर दिया। लेकिन इसको बात का अकाउंटेंट को पता नहीं था, तो जब भी इसको बात का अकाउंटेंट को पता चला भी विशाल है ये जो मोबाइल्स के दोनों प्रोडक्ट वापस दे गया और ये इनवॉइस है जो सेल्समैन ने इसको कैंसिल कर दिया। जैसे ही अकाउंटेंट आया तो सेल्समैन ने बोल दिया भैया ये विशाल है जो दोनों पीस है जो गुड्स वापस कर गया, आप इस इनवॉइस को अपने टैली में से भी कैंसिल कर दो या इसको डिलीट कर दो। तो अब अकाउंटेंट के भी दिमाग में यहाँ तक बात नहीं आई भी जब हम इसको सेल्स का इश्यू कर चुके हैं सेल वाउचर, तो हमें इसके अगेंस्ट में अब दूसरा जो वाउचर बनेगा इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसकी जगह हमें सेल्स रिटर्न का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक बात होती भी अगर आपने जिस कस्टमर को सेल इनवॉइस दिए हैं यानी कि 2 नंबर इनवॉइस कैंसिल करवा दिया और उसके बाद में अभी तक आपके पास कोई इनवॉइस नहीं बना यानी कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इनवॉइस आपने नहीं बनाया है, तो आप इस इनवॉइस को डिलीट कर देते कोई बात नहीं थी। लेकिन हुआ क्या जैसे ही सेल्समैन ने आपको ये बात बोली भी आप अपने टैली में से इस बिल को डिलीट कर दो, तो आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आपको इस बात का नॉलेज नहीं था भी इसके अगेंस्ट में हमें क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए, तो आपने अपने टैली में से आके इसको Alt+D के साथ डिलीट कर दिया। डिलीट करने की शॉर्टकट की जो होती है Alt+D, और आपने इस 2 नंबर को मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं
दो नंबर वाउचर्स को आपने डिलीट कर दिया। जैसे ही आपके पास ये एरर आई डिलीट यस या नो, आपने इसको यस कर दिया। अब क्या हुआ भी, जो तीन नंबर जो इनवॉइस था वो दो नंबर बन गया और जो चार नंबर इनवॉइस था वो तीन नंबर इनवॉइस बन गया। तो अब आप देख सकते हो, मैं एक नंबर आपको वाउचर दिखाता हूँ, इसका वाउचर नंबर एक है और इसका नरेशन नंबर भी आप इनवॉइस नंबर एक लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे इनवॉइस नंबर दो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो इनवॉइस नंबर दो हो गया, लेकिन इसका जो नरेशन नंबर है वो तीन है। यानी कि ये तीन नंबर इनवॉइस था जो दो नंबर इनवॉइस को डिलीट करने की वजह से ये दो नंबर बन गया। तो आपको इस बारे में नॉलेज नहीं था, गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसका इफेक्ट अब कहाँ पर आएगा, अगर इसके हम रिटर्न अक्रम देखेंगे जीएसटी की, जीएसटी R1 की अगर रिकॉर्ड हम देखेंगे और डॉक्यूमेंट समरी को हम देखेंगे, तो वहाँ पर इसका इफेक्ट हमें पता चलेगा। तो दोस्तों हम वापस डिस्प्ले पर गए, जीएसटी रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे और जीएसटी R1 को ओपन करेंगे और हमारा जो मंथ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे अक्टूबर मंथ। और अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी अब जो रिकॉर्ड है वो तीन वाउचर का ही रह गया है, पहले चार का था अब तीन का रह गया। और अब डॉक्यूमेंट समरी में हम जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो भी इनवॉइस 1, 2, 3 और टोटल तीन। तो दोस्तों और नेट में इसका क्या आ रहा है, तीन। लेकिन यहाँ तक तो ये सब कुछ ओके हो गया, लेकिन इसका जो इफेक्ट वो आया भी आपने जो टैली में जो एंट्री जो आपने करी है, तो इसमें जो वाउचर की जो सीरीज थी आपकी वो सब कुछ गड़बड़ा गई। यानी कि एक एक स्टेप है जो सब कुछ बैक हो गया, जो तीन नंबर इनवॉइस था वो दो नंबर बन गया, चार वाला तीन हो जाएगा, पांच वाला चार हो जाएगा, छह वाला पांच हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपका मैनुअल बुक, मैनुअल जो आपके पास बिल बुक है उसकी सीरीज और आपके टैली की सीरीज में अब एक एक वाउचर्स का डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों एक्चुअल में अगर आपको इनवॉइस कैंसिल करना था तो इसका सही तरीका था क्या था, वे हम इस वाउचर्स को डिलीट करने के बजाय इस वाउचर्स को कैंसिल कर देते। अब हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, एक बार हम वाउचर चलते हैं डे बुक पर आएंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक से तीन इनवॉइस। लेकिन अब देखने को यूँ लगेगा भी टोटल हमने तीन ही इनवॉइस बनाए हैं, लेकिन आप तीन नंबर इनवॉइस देखोगे तो एक्चुअल में ये चार नंबर इनवॉइस है। आप यहाँ पे देख सकते हो विशाल का, और हम मैनुअली रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ये जो चार नंबर इनवॉइस है ये विकास का है, और यहाँ पर अगर हम टैली की बात करें तो यहाँ पर भी ये विकास आ रहा है। लेकिन ये मैनुअली रूप से अगर देखें तो इनवॉइस नंबर चार है, लेकिन आपके टैली में रिकॉर्ड के हिसाब से ये तीन नंबर बन चुका है। तो आप सेम देख सकते हो, इसके अमाउंट भी आप मैच कर सकते हो, सब कुछ मैच करेगा। टू पीस मोबाइल्स के हैं और 11,016.94 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, 991.52 रुपये और 991.52 रुपये इसकी टैक्स की अमाउंट है, और यही अमाउंट इसकी सेम यहाँ पर भी आ रही है। ये 13,000 रुपये का इनवॉइस है, 2 इसकी क्वांटिटी है और इसकी टैक्सेबल वैल्यू भी 11,016.95 रुपये है। तो दोस्तों ये इफेक्ट अब आपकी मैनुअली सीरीज के साथ है ये जो गड़बड़ा जाएगा। तो अब आपको करना क्या था, इस वाउचर्स को डिलीट करने के बजाय, यानी कि दो नंबर जो इनवॉइस कैंसिल किया था आपको डिलीट नहीं करना था, उसको भी कैंसिल करना था। अब हम कैंसिल किस तरीके से कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जो सीरीज है बिल बुक की मैनुअल बिल बुक के साथ है, वो बराबर चलती रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे क्या, अब जो दो नंबर है यहाँ पर हम करेंगे एल्ट आई प्रेस, यानी कि एल्ट आई के साथ एक बटन प्रेस करेंगे और सेल्स इनवॉइस में जो दो नंबर इनवॉइस था, दो नंबर कैंसिल करने से पहले उसकी एंट्री में एक बार दोबारा यहाँ पर करेंगे। तो इनवॉइस नंबर सेकंड ये था विशाल का, तो इस विशाल की एंट्री हम वापस करेंगे यहाँ पर, और प्रोडक्ट मोबाइल क्वांटिटीज की 2 पीस 5,000 रुपये इसकी वैल्यू, और CGST टैक्स और SGST टैक्स, और इंटरप्रेस करते हुए से हम सेव करेंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो दो नंबर जो इनवॉइस है ये वापस विशाल का बन चुका है, और जो तीन नंबर इनवॉइस है वो वापस इसी का मदन का आ चुका है। लेकिन अब आपको आपकी मैनुअली बुक्स के अकॉर्डिंग इस वाउचर्स को कैंसिल करना है। तो हम कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम एल्ट के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे, एल्ट एक्स। तो एल्ट एक्स जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा कैंसिल, तो इस इनवॉइस को हम कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करेंगे
तो आप देख सकते हो अब इस दो नंबर इनवॉइस की जो अमाउंट थी वो यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर कैंसिल लिखा आ गया। अब इस वाउचर्स का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा जीएसटी R1 पर, वो भी हम देखेंगे। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे और वापस जीएसटी रिपोर्ट्स पर और जीएसटी R1 और हम हमारा पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। तो आप देख सकते हो रिकॉर्ड तो अभी भी 3 इनवॉइस की अमाउंट ही शो करेगा यहाँ पर, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट की समरी में जाके हम देखेंगे तो इसमें टोटल इनवॉइस है जो 4 दिखाएगा, 1, 2, 4 टोटल इसमें 4 है और इसमें एक वाउचर है जो आपका कैंसिल में अब आ चुका है, यानी कि टोटल 4 इशू आपने किए हैं उसमें से एक कैंसिल हो चुका है तो नेट इशू है वो 3 के रह गए, यानी कि अब 3 बिल की आपकी जो रिटर्न की अमाउंट है वो आपकी जीएसटी R1 की रिटर्न में जाएगी। तो दोस्तों ऐसी गलती आपसे हुई है या नहीं हुई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।